आई लव स्लीपिंग, बट आजकल की एम्बिशन से भरे हुए लोग, ये एंजाइटी स्ट्रेस से भरी हुई सोसाइटी स्लीप को बहुत ही अंडररेट करती है। उन्हें लगता है सोना वेस्ट ऑफ टाइम है, सोने की जगह हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं जो मेरे लाइफ को इम्प्रूव करेगा, जिसके कारण लोग कम से कम सोना चाहते हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। सभी को लगता है सोना एक डम एक्टिविटी है जहां हमारा शरीर बंद पड़ जाता है और हम रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन ये रियलिटी का बस 10% है। स्लीप बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें स्टेजेस बहुत सारी चीजें होती है, और ये सारी चीजें प्रॉपरली नहीं हुआ तो आपका दिन 100% बेकार जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग और शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो सिर्फ सोने के दौरान ही हो सकती है, और अच्छे से नहीं सोने का साइड इफेक्ट सब कुछ है। लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, मोटापा, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब कुछ लिटरली। अगर आप कोई भी अच्छी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, जैसे 12 घंटे पढ़ना या वर्कआउट करना, तो आपको सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप 12 घंटे पढ़ तो लोगे लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और समझ आ भी गया तो कुछ याद नहीं रहे। आप वर्कआउट तो कर लोगे लेकिन आपके मसल्स ग्रो नहीं करेंगे, और मे बी अगर ग्रो करते भी हैं तो दर्द जाएगा नहीं, एंड नेक्स्ट डे हो सकता है आप 100% अपना दे भी ना पाओ। स्लीप इज रियली इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो में हम लोग स्लीप के बारे में, इस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के बारे में डिटेल में जानेंगे, ताकि हम इसे इम्प्रूव कर सके और अपने लाइफ को 10-20% बेटर कर सके। तो सबसे पहले सोने के दौरान क्या होता है ये जानते हैं। हमारा शरीर नींद के दो चक्रों से गुजरता है, पहला रैपिड आई मूवमेंट, दूसरा नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि रैम ले लिए तो नॉन रैम की जरूरत नहीं है। आई नो नॉन रैम साउंड्स लेस इम्पोर्टेंट, पर वो भी इम्पोर्टेंट है, आगे चल के जानेंगे। नॉन रैम भी तीन हिस्सों में बटा हुआ है, पहला N1, N2, N3। आई नो आई एम लविंग दिस नेम्स। बायोलॉजी में नाम्स को लेकर के साइंटिस्ट बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं, डेटी हो जाते हैं, बट यहाँ पे उन्हें दया आ गई। और हमारा शरीर हर एक चक्र से 4-6 बार गुजरता है, और हर एक चक्र औसत 90 मिनट का, और हर एक फेज में, हर एक स्टेज में डिफरेंट चीजें होती हैं। कभी आपका माइंड रिकवर होता है तो कभी आपका बॉडी रिकवर होता है, और इसीलिए बीच में उठना बहुत ही हानिकारक होता है। तो नॉन रैम स्लीप में क्या होता है, बल यहाँ हमारा मसल रिलैक्स हो जाता है, ब्रीदिंग स्लो हो जाता है, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, और इस दौरान हमारा टिश्यू एंड सेल रिकवर होता है। ओवरऑल बेसिकली एनर्जी रिकवर करने के लिए नॉन रैम स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रैम स्लीप, ये वही स्लीप है जहाँ पे आपकी क्रश आपके लिए चाय बनाती है, आप 50 लड़कों से लड़ते हो, जीतते हो, अर्थात सपनों की दुनिया। रैम स्लीप में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये स्लीप आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे मूड और कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव होती है। तो अगर आप रैम स्लीप अच्छे से नहीं लेते हो तो आपका मूड बहुत ही खराब होगा, आपको सीखने में डिफिकल्टीज आएंगी, आपको जिस स्टेज एंड फेज की ज्यादा जरूरत है आपका शरीर उस स्टेज में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अगर आपका एज कम है तो आपको ज्यादा नींद की जरूरत है, आप मोटे हो, डिप्रेस्ड हो, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है नींद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू हैव अ बेटर स्लीप। वेल, सबसे इम्पोर्टेंट, रोज एक समय पे सोना और एक समय पे जागना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा सर्कैडियन रिदम, जिसे इनर क्लॉक बोला जाता है, वो ठीक हो सके। और अगर आपका सर्कैडियन रिदम ठीक हो गया तो एक टाइम पे अपने आप ही आपको रोज नींद आने लगेगी। मेटाबॉलिज्म, जिसे स्लीप हार्मोन बोला जाता है, वो हमारा पीनियल ग्लैंड्स रात में छोड़ता है ताकि हमें नींद आने लगे। लेकिन आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से ब्लू लाइट्स निकलते हैं, जिसका वेवलेंथ सनलाइट ऐसा ही होता है, जिसके कारण हमारे दिमाग को ये लगता है कि अभी रात नहीं हुई है और मेटाबॉलिज्म रिलीज नहीं होता, हमें नींद नहीं आती। तो रोज सोने से 1-2 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिससे लाइट्स आते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और बल्ब भी बंद कर लो। बट अगर आपको बहुत ही जरूरी है यूज करना, देन फिल्टर्स आते हैं जो आपके स्क्रीन को येलोइज कर देते हैं, बट अगेन बहाने वाली। अब आते हैं कैफीन एंड एक्सरसाइज जैसी चीजें। वेल, चाय, सुट्टा, कॉफी जैसी चीजें हमारे नींद को तोड़ने के लिए बहुत ही फेमस है, बट इसके इफेक्ट बहुत देर तक है, लगभग 6 घंटे। तो अगर आप अपने बेड टाइम से 6 घंटे पहले भी अगर कैफीन लेते हो तो उसका इफेक्ट बहुत देर तक लास्ट कर सकता है, जिसके कारण आपको नींद अगर आ भी जाएगी तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर करेगा। तो यहाँ पे हम आपको ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, बिकॉज आई मायसेल्फ इज अ टी लवर। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज रोज करने से आपको सुबह में नींद नहीं आएगा, विच इज इक्वल टू रात में नींद ज्यादा आएगा, लेकिन शाम में एक्सरसाइज करने के अपोजिट इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज करने से आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेलेटोनिन भी स्पीड अप हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, तो आपको नींद कम आएगी अगर आप शाम में या रात में एक्सरसाइज करते हो।
और लास्टली वेल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। आपका बेड आपका रूम का या घर का सबसे कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए, जहाँ पे जाते ही आपका ब्रेन एकदम ही रिलैक्स हो जाए, एकदम ही रिलैक्स हो जाए। अगर आपका बेडशीट गंदा है, आपने अपने पिलो को 50 साल से साफ नहीं किया, आपके बेड पे 50 चीजें पड़ी हुई हैं, देन किसे नींद आएगा। और उस एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए आप एक चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे मार्केट में आई थिंक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला जाता है। तो ये मेजोरिटी ऑफ द चीजें हैं जो आपके स्लीप इफेक्ट करता है, और भी छोटे छोटे माइनर चीजें जो इफेक्ट करता है, बट वीडियो ज्यादा गेम हम लंबा करना पसंद नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद जो कॉमेंट सेक्शन आएगा उसमें कुछ छोटे छोटे टिप्स भी मिल जाएंगे, और आप लोग भी शेयर कर सकते हो अपनी टिप्स। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड बिलीव मी इस स्क्रिप्ट के बहुत सारे पार्ट को हम कट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ही डार्क हो जाएगा। हमारे शरीर में दो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, बेसिकली मैसेंजर केमिकल होते हैं, पहला GABA गाबा, दूसरा एडेनोसिन। पर ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जब एक्टिव होते हैं या रिलीज होते हैं, तो हमारा ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें जगाए रखता है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो प्लीज अपने सोने के हैबिट को ठीक करो, ख्याल रखो अपना। बाय।